नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। अरे प्रणाम सर, ठीक है सर? हाँ प्रणाम, कौन? अरे सर, BEdTech 2011 से जौनपुर से बात कर रहा हूँ सर। बताइए सर, आपके ग्रुप से जुड़ा था, नंबर था, हमने थोड़ा थोड़ा बात कर लें सर, तसल्ली हो जाए सर। सर आप टिकट देखें सर, पैसा फीस वापसी हो रहा है सर। फॉर्म भरे हैं कि नहीं आप? हाँ भरे तो हैं, 11 12 हम दोनों भरते हैं। वो फॉर्म नहीं, फीस वापसी के लिए 2018 में आवेदन लिया गया था, भरे थे कि नहीं? नहीं उसमें नहीं भरे थे। तो फिर आपको तो नहीं मिलेगा ना वापस। अच्छा ये बात है। 2011 में जो भर्ती आई थी जी, उसमें कुछ कमी थी, तो कोर्ट ने क्या कहा था कि उस कमी को जो है ठीक किया जाए। जी जी, कमी ठीक करके जो है फिर से विज्ञापन निकाला गया। तो विज्ञापन दो तो हो नहीं जाएगा, एक ही रहेगा ना? जी जी एक तो निरस्त हो जाएगा ना। हाँ, तो उसमें सिर्फ संशोधन करना था, लेकिन उस वक्त जो सपा की सरकार थी अखिलेश जी, उन्होंने जो है जी सबसे फिर दोबारा पैसा ले लिया। जी 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 तो पहले वाले विज्ञापन पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया, जैसे 69,000 में 68,000 में कट ऑफ लगा, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 72,000 में लगाया था कट ऑफ। जी उस कट ऑफ पर भर्ती हुई, मैटर खत्म हो गया। जो दूसरा विज्ञापन था उसमें 2015 में हाई कोर्ट ने कहा था पैसा वापस कीजिए, मगर वो किए नहीं थे वापस। जी जी तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो उन्होंने जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने के लिए कहा था, उसको भर्ती करने के लिए तो कहा नहीं नए विज्ञापन पर। नहीं नहीं सर, तो हाई कोर्ट का पालन करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो गवर्नमेंट ने 2017 में ऑर्डर आया, 2018 में फीस वापसी का आवेदन लिया। तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, जिनका वहां पर गया है, उनको ही सिर्फ पैसा वापस होगा और किसी को नहीं होगा। बाकी वालों सर क्या होगा? अरे भाई आप बताइए, 2004 में एक भर्ती आई थी, उसमें आपने आवेदन किया था? नहीं सर, नहीं किए थे। तो अब उसमें जो भर्ती में आवेदन किया, उसको उस वक्त नौकरी मिली होगी, मिली होगी, और आपने आवेदन नहीं किया, तो आपका क्या हुआ? नहीं ये कोई ये कोई सवाल बनता है कि बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी दुनिया का ठेका ले क्या वो? अभी अभी मान लीजिए 51,000 भर्ती आ जाए, ठीक है, मान लेते हैं 5,00,000 लोग फॉर्म भर दें। अब आप गवर्नमेंट से सवाल पूछे कि 140 करोड़ जनता है, उसमें से 5,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, बाकी लोगों का आप क्या करेंगे? तो ये क्या सवाल उचित है? नहीं नहीं सर, उचित नहीं है। फिलहाल कोई सर विकल्प होना चाहिए जिससे नियुक्ति भी नहीं हो रही है पैसा वापसी के लिए। एक मिनट, नियुक्ति अलग चीज है, पैसा वापसी अलग चीज है, हर चीज को अलग अलग बात कीजिए, खिचड़ी मत पकाइए ना। आप किस पर बात करना चाह रहे हो? एक पर बात कीजिए पहले, फिर बाद में दूसरे पर बात कीजिएगा। आप अभी बात कर रहे हैं फीस वापसी पर ना, तो फिर नियुक्ति कहाँ से लेकर आ गए? नियुक्ति वाली बाद में बात कीजिएगा, पहले जिस पर बात कर रहे हैं उस पर बात कीजिए। यही तो गलती है आप लोगों की, आप लोग सब खिचड़ी पकाते हैं। अच्छा, आप बैंक जाते हैं, तो बैंक जब जाते हैं तो अपना पासबुक, राशन कार्ड और दुनिया भर के कार्ड जितने भी जहाँ भी बनवाए सब लेकर के बैंक में पहुँच जाते हैं कि मेरा काम यही करो सारा? नहीं, जाइए बैंक में लेकर के हमारा जो है ये पैसा भी जमा कर लीजिए, और मेरा राशन कार्ड है, ये राशन भी दे दीजिए हमको, दे देंगे वो राशन? नहीं, तो पढ़े लिखे हैं, जब जान रहे हैं कि अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग पॉइंट है, तो अलग अलग बात कीजिए ना, खिचड़ी मत पकाइए। इस चीज से क्लियर हुए कि नहीं हुए कि जब भी गवर्नमेंट कोई चीज निकालती है, जो फॉर्म भरता है सिर्फ वो ही लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं, उसमें भी जो मानक तय किए गए हैं उसके आधार पर जो सही पाए जाते हैं उनको मिलता है। जैसे आवास योजना आई, तो आवास योजना क्या सबको मिल गई? नहीं, जो लोग फॉर्म भरे उनमें से, जो फॉर्म भरे उन्हीं में से छाट करके जिसको भी गवर्नमेंट ने दिया हो, जिसने फॉर्म नहीं भरा तो क्या उसको भी देगी क्या? नहीं सर, नहीं। तो एक बात एकदम माइंड क्लियर कर लीजिए कि जो भरेगा फॉर्म, जो आवेदन करेगा, सिर्फ उसको, भले पैसा सबको कहा जा रहा दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए नियम क्या बनाया गया कि आवेदन करना होगा। तो आपने जब आवेदन किया ही नहीं, और आवेदन का बार बार मौका नहीं मिलता है, अभी सीटेट का फॉर्म भरा जा रहा था, आपने नहीं भरा, हमने नहीं भरा, अब हम चाहें कि आज हम भर दें, क्या हम भर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि डेट उसका खत्म हो गया, उसके बाद हम सोच रहे हैं। जी सर, तो अब अगला कुछ आएगा फॉर्म, उसमें हम कर सकते हैं आवेदन, अब पिछले वाले में तो नहीं कर सकते ना, उसका डेट निकल गया। ऐसे ही जब 2018 में मांगा गया आवेदन, तब आपको सोचना था ना कि हम भरें क्या करें। नहीं सर, उतना कॉन्फिडेंट रहें सर, मिलेगा ही पैसा,
लोग अफवाह, एक मिनट आप लोगों की सुनकर चलेंगे? लोगों को देना है पैसा या जिसको देना है वो कह रहा है कि फॉर्म भरिए तो उसके अनुसार चलेंगे? सबसे ज्यादा अफवाह जौनपुर वाले फैलाते हैं, कानपुर वाले और जौनपुर वाले। नहीं सर ऐसी बात नहीं, नहीं ऐसा ही है। आप हम तो सबसे जुड़े हैं ना, हर जगह का देख रहे हैं ना। जी जी, तो ये सबसे ज्यादा सुनने में आता है, सुनने में आता है, तो बताया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ जौनपुर वाले, हम ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा जौनपुर वाले फैलाते तो सब हैं, हर जगह हो रहा है, ज्यादा जो है अफवाह का बाजार ज्यादा गर्माता है, चलो तो है ना। आपने क्या अफवाह सुना था बताइए? सर पैसा वापसी होगा, नियुक्ति नहीं हो पाएगी, कोर्ट ने ये कह दिए हैं। 17 जुलाई जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने यहाँ धीरेन्द्र सिंह परमार थे उनके माध्यम से हम लोग जुड़े थे। आप हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए, सही सही दीजिएगा, क्या आपके पास जो है 25 जुलाई 2017 का कोर्ट ऑर्डर है? हमारे पास तो नहीं सर, सुने थे तो सर अफवाह में है नहीं कोर्ट ऑर्डर। अब दूसरा सवाल, क्या आपने कभी भी 25 जुलाई 2017 का कोर्ट ऑर्डर अपनी आंख से देखकर पढ़ा, भले समझ में आया या नहीं आया, लेकिन आपने अपने हाथ में लेकर के या मोबाइल में लेकर के देखा उसको अपनी आंख से पढ़ा? नहीं देखे नहीं, सुने ना, आपके पास है ना, आपने पढ़ा है। किसी ने कह दिया कौआ कान लेकर भाग गया और आप कौआ के पीछे भागने लगे, कान को नहीं चेक करेंगे हम? वो तो है सर, गलती तो है, लेकिन जो ये सब ये कौन झूठ बोलता है, कौन अफवाह फैलाता है, जिनको इसके बेस पर लूट करना है, उल्लू बनाना है, बनाना है। आपके जिले में कई अध्यक्ष बने हुए हैं, जिला अध्यक्ष बहुत बहुत है, आप नाम सबका जानते होंगे, मैं नाम बताने की जरूरत नहीं है। हम नाम जानते और हर जिले से जो है वो पैसा लूट लूट करके आधा अपने पास रखते हैं, आधा ऊपर भेजते हैं, कहते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, कोर्ट से ये मिलेगा, कुछ नहीं एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो सुनील यादव या अन्य जो गैंग बना हुआ है कि 2012 में भर्ती कराएंगे, आप उठा करके 2017 के बाद का देख लीजिए रिकॉर्ड, ये जितनी बार कोर्ट गए हैं सब खारिज हुआ है। क्यों क्यों खारिज हुआ? जब कई साल केस चला, आप ही मान लीजिए आपका हमारा कोई झगड़ा है, आपने या हमने किसी ने भी केस कर दिया, कोर्ट चला गया मैटर, अब वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला हुआ, हम लोग संतुष्ट नहीं हुए चले गए हाई कोर्ट, वहां से फैसला हुआ, फिर संतुष्ट नहीं हुआ कोई एक व्यक्ति चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया, अब तो कोई कोर्ट बचा नहीं ना। नहीं सर, आप जीते हों हम हारे हों, चाहे हम जीते हों आप हारे हों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, अब इसके बाद कोई कोर्ट नहीं बचा। नहीं, अब क्या फिर से वापस जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसी मुद्दे को लेकर, वो सुनेगा आपकी या हमारी? वो तो यही कहेगा ना, भैया जब तुम्हारा फैसला सुप्रीम कोर्ट कर दिया तब हम कहाँ से सुने। जी सर, हाई कोर्ट भी जाएंगे तो वो क्या कहेगा कि जब सुप्रीम कोर्ट सुन लिया तो नीचे से ऊपर जाते हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं? है सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल ऑर्डर कर दिया उसके बाद जितने भी लोग कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट क्या करेगी, भैया हम नहीं सुनेंगे खारिज। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होंगे 4 साल 6 साल 10 साल के, कोई भी फैसला वो करते हैं कि बड़े बुजुर्ग करते हैं? बड़े करते हैं। अगर बड़े बुजुर्ग कर लिए कि इस महीने जो है घर में बजट जो है उसके अनुसार जो है घर की जरूरत है, एक गाड़ी होना चाहिए, किसी को कहीं आना जाना होता है, कुछ भी जरूरत होती है गाड़ी खरीदा जाएगा, तो बच्चा कह रहा है कि नहीं ये नहीं ये खरीदा जाएगा, तो बच्चे का सुना जाएगा कि बड़े का सुना जाएगा? बड़े का सुनेंगे। तो बड़े जो फैसला कर देंगे वही ना, कि बड़े फैसला कर लिए कोई काम करने का, उसके बाद बच्चे जो फैसला करेंगे बड़े बड़ों का फैसला बदल जाएगा। बच्चे तो मनमाना कहेंगे ना कि हमको आइसक्रीम चाहिए, हमको चॉकलेट चाहिए, हमको खिलौना चाहिए, वो उनका जो मांग है वो व्यक्तिगत है उनका और तात्कालिक सुख के लिए है, कुछ क्षण के लिए है, लेकिन जो बड़े डिसीजन लेंगे वो डिसीजन घर परिवार के सबके देखभाल को सबके चीज़ों को ध्यान में रख करके कि उनका कैसे लाभ हो उनका ख्याल कैसा रहे उसको देख करके फैसले लेंगे। तो इस चीज़ को जो आप घर में समझ रहे हैं वही चीज़ कोर्ट में होता है, और आप पढ़े लिखे हैं जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है इंडिया के अंदर। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो क्या मतलब बनता है बार बार हाई कोर्ट तो यहाँ कोर्ट वहाँ कोर्ट सिंगल बेंच डबल बेंच जाके खारिज करवाने से क्या मिल रहा है? हाँ एक फायदा हो रहा है कि जो जा रहा है कोर्ट वो दिखा रहा है भैया हम कोर्ट में गए हैं ये करवा देंगे वो करवा देंगे, बोल बोल करके करोड़पति बन गया। बन गया कि नहीं बन गया आप खुद बताइए? बन गया सर। 2017 में भी फोटो देखे होंगे सामने से भी देखे होंगे और इस वक्त 2023 चल रहा है अभी भी सामने से देखे होंगे फोटो में देखे होंगे, बदल गया कि नहीं बदल गया वो इंसान? जी बदल गया, बहुत बदल तो, गया। तो आप
आप भी बेरोजगार थे 2017 में, हम भी बेरोजगार थे, वो भी बेरोजगार था। आज भी वो कोई नौकरी नहीं करता, कोई नौकरी नहीं करता है। करता है कोई प्राइवेट नौकरी? सुनील यादव की जी बात कर रहे हैं, कोई प्राइवेट नौकरी करता है वो? कोई काम धंधा करता है वो? कैसे उसके पास पैसा आ रहा है? आप ही लोग दे रहे हैं ना, हम ही लोग इतना दे यही वो। सकते सर। हाँ कहिए, क्या कर रहे हैं? सर इतना लोग हम लोग चंदा दे दिए हैं ना सर, एकदम माला माल हो गए, हम लोग एकदम कंगाल हो गए हैं। भाई लाख साहब, वो ना वो कोई पान की दुकान खोल के बैठा है, ना कोई बड़ी दुकान खोल के बैठा है, ना ही वो कोई प्राइवेट की नौकरी करता है, ना कोई सरकारी नौकरी करता है। वो कोई नौकरी नहीं करता है, लेकिन देख लीजिए, उसका बेटा पार्टी दे रहा है लाखों रुपए का। कहाँ से आया इतना पैसा कि बेटा दे दे रहा है पार्टी? तो सोचिए, अरे बाप, सर जब बेटे के पास जी इतना पैसा है तो बाप के पास कितना पैसा होगा? बेटे की उम्र देख लीजिए कितनी है उसके बेटे की। वो पैसा आप ही लोग का दिया हुआ है, आप ही लोग को बरगलाया, उल्लू बनाया कि मत भरो फॉर्म, नौकरी नहीं मिलेगी। बताइए, मिल गई नौकरी इस तरह से? अभी नहीं सर, नहीं कहाँ मिल पाई। एक बात गांठ बांध लीजिए कि जो गवर्नमेंट कह रही है, जो सत्ता में है, जिसके हाथ में लाठी है, उसी की भैंस होती है। अखिलेश थे, अखिलेश जो कह रहे थे वो करना था। अभी जो है कुर्सी पर योगी हैं, वो जो कहेंगे, वो जो विज्ञापन जारी करेंगे, वो करना पड़ेगा। आगे कांग्रेस आएगी, या आम आदमी पार्टी आएगी, या फिर से सपा आएगी, जो भी आएगा, जिस वक्त कुर्सी पर जो बैठा हो, वो जो कह रहा, सिर्फ वही सत्य है। आप बताइए, जब जी सर सपा की सरकार थी, क्या योगी जी उस वक्त कोई विज्ञापन भर्ती निकाल सकते थे? नहीं सर नहीं, बिल्कुल अभी योगी की सरकार है तो क्या अखिलेश यादव निकाल सकते हैं कोई भर्ती, कोई विज्ञापन? नहीं सर, बिल्कुल तो नहीं सर। क्यों उसका सुनना, जो कुर्सी पर है ही नहीं, जो कुछ कर ही नहीं सकता, उसकी तरफ क्यों ध्यान देना? हाँ, जैसे एक बात याद कर लीजिए, आपने सुना है बचपन से, जिसकी लाठी। सर हाँ, आपकी आवाज धीमी आ रही, थोड़ा तेज बोलिए, अगर स्पीकर है ऑन तो ऑफ कर लीजिए। तो जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है, ये बात सत्य है। फिर क्यों सुनते हैं इन सब की, ये जो सुनील यादव हैं, या आपके जिले में कोई अध्यक्ष बना होगा, ये खुद नौकरी ले लिए क्या आज तक? नहीं सर हाँ, बस लूट रहे हैं। आप जो जिले जी, में अध्यक्ष होगा, वो भी कम से कम कुछ नहीं तो 50 लाख रुपए हर जिला अध्यक्ष लूटा है। थोड़ा हट जाइए, शोर है वहाँ पे। तो जो आपके जिला अध्यक्ष हैं, कौन कौन है वहाँ जिला अध्यक्ष बने? अरे आप जय हिंद मौर्य थे सर, धीरेन्द्र सिंह परमार हुआ करते थे उस समय, अब पता नहीं सर। अच्छा, तो अभी यही लोग हैं या और कोई है? अभी यही है सर, अब कोई टच में नहीं है, आप जब से आपसे जुड़ा है तो जानकारी आपसे तो लेते जिन हैं। अरे जिनका आप नाम ले रहे हैं, इन लोगों को आपने पैसे दिया है कि नहीं कभी? दिए हैं सर 5-6-7 हज़ार रुपये सर दिए। आज जाइए उनसे मांग करके, 1 रुपया खाली वापस लेकर के आ जाइए, ज्यादा नहीं, 1 रुपया उनसे लेकर के आ जाइए, दे देंगे। नहीं दे पाएंगे सर जी। आप अभी दुकान पर जाएंगे सामान खरीदने, अगले को कहेंगे भैया ये 10 रुपये वाला पेन हमको दे दो, आप उसको 10 का नोट देंगे, वो आपको पेन देगा कि नहीं देगा? नहीं किसी दुकान पर गए, 10 रुपये देंगे और कहेंगे 10 रुपये वाला पेन दे दो, स्टेशनरी की दुकान पर किसी, तो वो आपको पेन देगा कि नहीं देगा? देगा ना, देगा पैसा दे रहे हैं तो सामान तो देगा ना। जी और आपने पैसा दिया, वो सामान नहीं देगा, तो क्या करेंगे? सर भाई पैसा मांगेंगे पैसा मांगेंगे ना। जी अभी आप जाइए मोटरसाइकिल खरीदने, और मोटरसाइकिल का सर दाम 1 लाख रुपया हो, वो कहे 1 लाख रुपया दीजिए तो हम आपको मोटरसाइकिल देंगे, आप 1 लाख रुपया दे दीजिए, और फिर वो आपको मोटरसाइकिल ना दे, भगा दे, तो उसके बाद क्या करेंगे? हाँ पैसा लेने के लिए जो कुछ करते बनेगा सब करेंगे ना, जी सर कि जी छोड़ सर। देंगे 1 लाख रुपया अपना? अरे नहीं सर, कहा नहीं छोड़ देंगे सर। क्यों छोड़ेंगे? 1 लाख भी नहीं छोड़ेंगे, 10 रुपये भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर ये जो ठेका लिए बैठे हैं नौकरी दिलवाने का, जिन लोगों ने पैसा लिया है, जो भी हैं, चाहे जिस भी जिले के हैं, आपके जिले के हों चाहे दूसरे जिले के हों, एक एक रुपया क्यों नहीं उनसे वापस लेते हैं? जहां मिल जाए हाथ पर तोड़िए, नहीं लोगों का, तब ना सुधरेंगे ये लोग। जी सर अरे आप अकेले नहीं होंगे, आप ऐसे अन्य दस जो बीस काफी पचास लोग हैं सर, हमारे यहाँ 15-20 हमारे गांव के सर 15-20 लोग हैं, सबको 4-4 हज़ार रुपये धीरेन्द्र सिंह परमार ले तो लिया पंद्रह साहब, बीस अब लोग सबने 15-20 लोग हैं, फोन अभी रखिएगा, उन 15-20 लोगों को फोन कीजिए, कहिए भैया इस मंदिर पर आइए, इस पार्क में आइए, आज शाम को 4 बजे मीटिंग है, आप खुद बुलाइए मीटिंग, आप खुद अध्यक्ष बन जाइए। अब मीटिंग बुला करके सब लोग मिल करके, भैया अब हम लोगों को इन लोग की बात नहीं सुननी है, इनसे अपना अपना पैसा वापस लेना, चलो मिल करके चलते हैं, 20 लोग इकट्ठे मिल करके जाइए उनके घर पे, पैसा कॉलर पकड़ लीजिए कि पैसा दो, नहीं तो हम यही हाथ पर तोड़ेंगे, ले चलेंगे थाने, 20 लोग पकड़ के थाने ले जाइए।
है ना 15-20 लोग संपर्क में। हाँ हाँ सर वही करेंगे सर, एक दिन जो ये बताइए तो गांव में आप, एक दिन प्लान करते हैं सर। आपने भी सर, आपने भी वही पढ़ाई किया है जो उन्होंने किया है ना, आपसे ज्यादा वो पढ़े हैं ना, ज्यादा सक्षम है उतने ही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो अध्यक्ष कैसे बन गए आपके, किस आधार पर आपने मान लिया उनको अध्यक्ष, आपके जिला अध्यक्ष बन गए या प्रदेश अध्यक्ष बन गए, कैसे बन गए, क्या इनमें खास है, क्यों मान लिया आपने इनको? आप सर इसी संगठन का जो अगुवाई करने लगे सर, इसी सिलसिले में लोग उनको मानने लगे। चलिए ठीक है, आज से हम कह रहे हैं कि जो है जौनपुर के आप जिला अध्यक्ष हो गए, आज से आप मानना शुरू कर दिए खुद को, लोगों का नंबर रखना शुरू कर दिए, लोगों के साथ बैठ करके। आप तो कोई फ्रॉड नहीं करेंगे ना? नहीं सर। नहीं तो आज से आप अध्यक्ष हैं, बुलाइए लोगों को, मीटिंग कीजिए, सही गलत का फैसला, उनको जानकारी भी सही चीजों की दीजिए, संडे संडे बुला करके कि क्या चल रहा है उसकी जानकारी भी दीजिए लोगों को सही से, और उसके बाद जो पैसा लूटे हैं उनके खिलाफ FIR भी मिल करके करवाइए। आप ही बन जाइए अध्यक्ष, क्या दिक्कत है, आप नहीं बन सकते क्या? क्यों नहीं सर, क्यों नहीं, आप बन सकते हैं, आपके साथ का कोई भी साथी कोई बन सकता है, क्यों इनको अध्यक्ष मान रहे हैं? अरे सर भाई, गलतियाँ थी नौकरी की, इतनी ज्यादा थी कि इतना बड़ा देश है, उसका प्रधानमंत्री चुनने के लिए भी चुनाव होता है, इतना बड़ा प्रदेश है यूपी, उसका CM चुनने के लिए भी चुनाव होता है, तो ये छोटा सा प्रदेश के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष चुनने के लिए, क्या इसके लिए चुनाव नहीं होना चाहिए आपस में? किस आधार पर, किस आधार पर उनको मान लिया गया? यही विडम्बना है अपने देश की, ये विडम्बना नहीं है, ये जो है जीता जागता प्रमाण है, एक जो है उदाहरण है पढ़े लिखे डिग्री होल्डर अनपढ़ जाहिल होने का। ये हम आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, अपने ऊपर मत लीजिएगा, हम ये पूरे प्रदेश के लोगों के लिए कह रहे हैं कि सारे प्रदेश के लोग भेड़ चाल चलते हैं, एक कोई कह दिया कुछ भी बस उसके पीछे सब चल देते हैं। भाई आप भी उतने ही डिग्री रखते हैं, उतने ही योग्य हैं, उतनी ही बुद्धि रखते हैं, या हो सकता है उनसे ज्यादा डिग्री रखते हो, उनसे ज्यादा बुद्धि रखते हो, फिर क्यों उन्हीं को आपने 6-7-8 हज़ार रुपए जो भी दिए, आखिर वो उस पैसे का कुछ मिला आपको? कुछ नहीं सर मिला, फिलहाल आप उम्मीद की किरण कुछ जगी है सर आपके पोस्ट को देखते थे, क्या सर कुछ संभावनाएं हैं सर? तो अब जो है उम्मीद नहीं जगी है, 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ लिख दिया था क्या करना है, और गवर्नमेंट सब वही कर रही है, एक एक चीज सामने आ रहा है। TET लाइफ टाइम इसीलिए किया गया है क्योंकि 2011 में जो TET हुआ था वो 2016 में एक्सपायर हो गया था, 5 ही साल था ना जी जी। 17 में जब ऑर्डर हो रहा था तो कोर्ट को पता था कि एक्सपायर हो चुका है, और ये काम कोर्ट का नहीं है उसको जिंदा करना, ये काम गवर्नमेंट का था। तो कोर्ट ऑर्डर आप जो पढ़ेंगे उसमें हर चीज लिखा है, उसी के आधार पर BED को प्राइमरी में लाया गया ताकि जो है पुराने लोगों को मौका दिया जाए BED वालों को। तो इतने बड़े बड़े काम किस लिए किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव की तरह नहीं कि बस अवैध समायोजन कर दिया उसके बाद तुम्हारा कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, देखे है ना? तो सर वोट बैंक की राजनीति के लिए इसका कोई मतलब ही नहीं था जिसे को, हाँ, तो आप नियुक्तियाँ किए थे जबरदस्त, तो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किया कीजिए, किसी की मत सुनिए जी सर जी, हमेशा अपनी आंख से, कोई कुछ कह रहा है ठीक है चलो भाई, हम जब तक अपनी आंख से नहीं पढ़ लेंगे नहीं देख लेंगे तब तक, अरे ठीक है कोई चीज होगा अंग्रेजी में होगा, मान लीजिए हिंदी तो सब समझ लेते हैं, कहीं पर मान लेते हैं कोई ऑर्डर है अंग्रेजी में है नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं है, उसको कॉपी कर लीजिए गूगल ट्रांसलेटर में जाकर के, उसको लिख वहां पर पेस्ट कर दीजिए, वो हिंदी में कन्वर्ट करके आपको दे देगा, आप पढ़ लीजिए बहुत आसान है। आपको कोई किताब में से कोई चीज इंग्लिश का कोई किताब उठा लीजिए, आप फोटो खींचिए इंग्लिश का किताब और आप उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फोटो खींच करके गूगल ट्रांसलेटर को दे दीजिए, वो आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में दे देगा जी। इतने सारे ऐप आ गए हैं कि आप जो है आराम से ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं है किसी और से पूछने की जी। और कुछ नहीं तो यूट्यूब पर चले जाइए, 10 लोगों की वीडियो देखिए, 20 लोगों की वीडियो देखिए, 10 लोग 20 लोग क्या क्या कौन कह रहा है, तब तो बात सामने आ जाएगी ना सच्चाई क्या है। अगर सारे लोग सेम बातें कर रहे हैं तो वो बात सही है, जहाँ पर बातें मैच नहीं कर रही हैं वो बातें सही मत मानिए। नहीं सर मैं आपकी बात से पूरे सहमत हूँ, मैं आपकी बात को मानता हूँ, जिसे आपने हम अपनी बात आप समझे नहीं, हम आप समझे नहीं हम क्या कहे, हमने ये कहा कि 10 लोगों की 20 लोगों की बात सुनिए, जो चीज सब एक साथ बोल रहे हो एक ही बात सेम टू सेम बोल रहे हो वो बात सही है, जो बात सेम टू सेम सब ना बोल रहे हो मैच ना कर रही हो बातें वो बात को सच मत मानिए, उसके लिए चेक कीजिए जैसे हम कुछ कह रहे हैं अब वो सही है या नहीं है,
तो आपको ये चेक करने के लिए ये जानना होगा कि हम किस आधार पर कह रहे हैं। तो हम बताते हैं कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर कह रहे हैं, आरटी एक्ट के आधार पर कह रहे हैं। तो जाइए उसको खोल करके उसमें देखिए क्या ऐसा कुछ है या हम ऐसे ही कह रहे हैं। तो क्रॉस चेक कीजिए हर चीज को। हम तो हमेशा बताते हैं हम किस आधार पर कह रहे हैं, कहाँ लिखा है, कैसे किन आधारों पर ये चीजें होंगी, उसके नहीं सर, तर्क भी देते उसमें हैं। देखिए जी सर, एक मिनट तक भी उसमें थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिली थी। ठीक है, 825 का जो समायोजन हुआ था, 825 1100 में 832 लोगों का जो कुछ समायोजन हो पाया था, इसमें सर इतने लोगों का हो पाया और लोगों को क्यों नहीं हुआ, मैं उसके बाद कौन सा किया। कौन सा कौन सा समायोजन? अरे 832 लोगों का कुछ समायोजन हुआ था ना। अरे भाई एक चीज बताइए, जी आपका पड़ोसी जो है जी वो किसी दिन मंदिर जाए, जी एक तो सोने का हार जो है मंदिर में चढ़ावा कर दे, तो जी पुजारी जी अगले दिन आपके घर आ जाएंगे, चल बे तू भी दान कर सोने का, आप जाएंगे उसके साथ दान करने? अरे नहीं सर, भैया वो शिक्षा से दिया है ना, तो दान दान होता है ना। जी हाँ, लेकिन बिजली का बिल लेने बगल वाले के घर आया तो वो आपके घर भी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो दोनों का फर्क समझे, एक चीज है कि सबको करना ही करना है, ठीक है, और एक चीज है कि वो स्वेच्छा से कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि हर कोई करे। तो जो कोर्ट में मैटर फंसा था तो वहां पर कोर्ट में जो केस था उस केस को हल करने के लिए कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हुए कोर्ट ने उनको नियुक्ति दिलवा दिया, ठीक। तो वहां कुछ कंडीशन ऐसे बने उस कारण से उनको याची लाभ मिल गया। जी तो कोई जरूरी तो नहीं हर किसी को याची लाभ हमेशा देता ही रहे कोर्ट। उस दिन के बाद, उस दिन के बाद से आज तक बताइए किसी को याची लाभ मिला हो, नियुक्ति मिला हो? नहीं सर, किसी को नहीं मिला। तो भाई साहब हमारे ऐसा नहीं में है। पहले वाले 83 नंबर था उनका हो गया, हमारा सब 90 के ऊपर था, नहीं हो पाया सर। तो 83 एक मिनट, ये दूसरा पॉइंट है, अभी हम लोग याची पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे बात कर लेते हैं। तो याची को मिला वो कोर्ट में मैटर था, कोर्ट ने उनको दान दिया। अब आप कोर्ट का गला नहीं पकड़ सकते भैया उसको दान दिए तो हमको भी दान दो। नहीं, ठीक। अब आते हैं आपका कहना है कि 83 वाले का हुआ हमारा नहीं हुआ, ठीक। तो इसको आपको जानना पड़ेगा कि उसका हुआ तो क्यों हुआ, हमारा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। और इसके लिए हम हमेशा बताते हैं कि कुछ भी हो रहा है इस संसार में तो अगर हो रहा है तो उसका भी कारण है, और अगर कुछ नहीं भी हो रहा उसका भी कारण है, कारण जानने का प्रयास कीजिए। तो 83 नंबर वाले का हुआ या तो वो याची लाभ से हुआ होगा, तो उस कैसे याची लाभ किस कारण मिला वो जानिए, या अगर याची लाभ में नहीं डायरेक्ट हुआ है तो उसको जानना पड़ेगा डायरेक्ट क्यों हुआ उसका, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। सिंपल सा एक छोटी सी भर्ती थी, सिंपल सी 72,000, विवाद हुआ सिंपल सा, कोर्ट ने कहा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, सुधार कर दीजिए। वो तो सत्ता बदल गई, अखिलेश आ गए, उस अखिलेश को बीएड वाले क्या टीटी वाले फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, सच्चाई है। अखिलेश यादव वो इंसान है जिसको टेट पास लोग बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, वो देखना ही नहीं चाहता है, नहीं। चाहे वो कोई हो, वो चाहते हैं सिर्फ शिक्षा में, वो चाहते हैं जो मेरिट से आए हैं बीटीसी वाले या डीएलएड वाले उनको पसंद करते हैं। क्यों? शिक्षा मित्र ज्यादा बुद्धि लगाते नहीं है, नियम कानून में ज्यादा फंसते नहीं, उनको कह दिया जाए तो भेड़ चाल चलने को तैयार हो जाते हैं, आज भी वही कंडीशन है। और ये जो बीटीसी वाले हैं ये भी सब नकल जुगाड़ वाले हैं, ज्यादातर सब नकल जुगाड़ वाले हैं, तभी हाई मेरिट हैं पुराने वाले जितने हैं, अब तो मान लीजिए खुद ही नंबर अधिक मिलने लगा है। तो जो नकल जुगाड़ वाले हैं वो भी पढ़े वढ़े हैं नहीं, जो ज्यादा पढ़ा है नहीं, अपना बुद्धि लगाता नहीं है, जो बुद्धि लगाता नहीं है वो भी भेड़ चाल चलता है, तो उनको पसंद कौन है भेड़ चाल। तो बीएड वालों को वो क्यों नहीं पसंद करते हैं, टेट वालों को क्यों नहीं पसंद करते हैं? देखिए बीएड जो भी किया होगा कंपटीशन दे करके तब एडमिशन लिया होगा, है ना, तो कंपटीशन दे करके एडमिशन लिया है, इसका मतलब है कि भले ज्यादा बुद्धि रखता हो न रखता हो लेकिन फिर भी सामान्य से ज्यादा रखता है। तो वो जानते हैं कि जो बुद्धि रखते हैं जो पढ़े लिखे हैं वो मेरे झूठ में मेरे भ्रम में नहीं आ पाएंगे, इसलिए वो बीएड वालों को नहीं पसंद करते हैं। सच्चाई है, अब इसको कोई माने या न माने सच्चाई यही है। और आप इतिहास उठाकर देख लीजिए वो क्या किए हैं, कब किए, अभी चुनाव हुआ तो भी वो बीएड टेट 2011 एक बार नहीं बोले हैं मुंह से, जब चुनाव अंतिम चरण में आया है लगा है कि अब हार रहे हैं तब थोड़ा बोले हैं एक आध जगह, नहीं तो वो नाम तक नहीं लेते हैं, सफेद टोपी सफेद टोपी।
अब वो भी क्यों, क्योंकि ये सुनील यादव लगा हुआ था प्रचार प्रसार में, इसलिए बस। जी, हाँ उसमें उसका चमचा टाइप है, वो पूरा का पूरा वही चमचा ही है, सिर्फ आया ही है वही प्रचार प्रसार करने, लूट करने, नेतागिरी करने। वो नौकरी के लिए थोड़े आया, अब उसको नौकरी थोड़े करना, वो 10 करोड़ 20 करोड़ कमा के बैठ गया, वो नौकरी करेगा? नहीं सर, हाँ सर ये तो है, तो माला माल हो गया है तो कुमार। अरे वो बीवी के भाई, बेटे के भाई के, अपन ने सबके अकाउंट में कम से कम 10 लाख 20 लाख 50 लाख भर रखा है, सब लोग ले जाकर कैश दिए हैं, खूब रिश्तेदारों को नातेदारों को पैसा बांट कर रखा है, लो भैया लो बाद में ले लेंगे तुमसे। बेटे के अकाउंट में जब इतना पैसा पड़ा है कि वो पार्टी दे रहा है लाखों रुपए का, आपके बेटे के अकाउंट में कितना पैसा होगा, आपके बेटे के अकाउंट में कितना पैसा होगा इस वक्त? 5 हजार 10 हजार। अगर हम आपकी व्यक्तिगत बात कर लें, आपकी, आपने अब तक जो भी कमाया होगा इकट्ठा किया होगा, तब भी हम कह रहे हैं आपके पर्सनल अकाउंट में 5 लाख शायद हो। नहीं ना, अब सोचे उसका बेटा तो, उसका बेटा तो 5 लाख रुपया एक पार्टी में फूक दिया, तो 4-5 लाख रुपया सिर्फ एक पार्टी में फूक दिया सुनील यादव का, देख लीजिए पार्टी का वीडियो देख लीजिए। आप किसी, आप किसी बड़े जो है शादी विवाह जहाँ होता है वो बुकिंग करते हैं, खाना पीना की व्यवस्था करते हैं, कितने में बुक होता है? 15-20 लोगों का होता है कुकिंग वाला। कितना में कुकिंग वाला व्यवस्था? कोई शादी विवाह पार्टी जिस जगह पर होती है वो जगह बुक करना हो और खाने पानी, खाने पीने की व्यवस्था सब वहाँ पर बुक करना हो, लगभग कितना खर्चा हो जाएगा? 50-60-70 हजार कम से कम में, 50-60 हजार कम से कम है ना? जी सर कम से कम। जी सर और आप वीडियो देखिए, अभी हम सिर्फ एक पॉइंट पर बात किए हैं, वीडियो देखेंगे उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे कई लाख रुपए उसके बेटे ने फूक दिया है एक दिन में, ऐसे ही नहीं फूक दिया, वो भी क्या लिख रहा है, खुद सुनील यादव लिख रहा है कि मेरे बेटे ने सरप्राइज दिया। सरप्राइज का क्या मतलब होता है कि बिना बताए? तो जो बेटा बिना बाप को बताए लाखों रुपए का प्रोग्राम रख रहा है, यानी उसके खुद के पास इतने पैसे होंगे, इससे ज्यादा होंगे, तभी तो इतना बड़ा प्रोग्राम किया। और जो बेटा लाखों रुपए फूक रहा है, उसे पता है ना कि मेरा बाप हमें नहीं डांटेगा, हमें नहीं बोलेगा, तभी तो फूक रहा है। अब बाप भी फूक कहाँ डांट रहे हैं, बल्कि फेसबुक पर फोटो डाल करके, वीडियो डाल के दिखा रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनके पास अथाह पैसा है, उसमें से 2-4 लाख रुपया फूक भी दिया बेटे ने, तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा। गलत बोल रहे हो तो बताइए। नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल भाई, अभी आपका बेटा मान लीजिए आपके पास से 5 हजार रुपये ले जा करके कहीं पर वो कुछ खा पी ले, कुछ खरीद ले, कुछ भी कर दे अपने मन से, और आपको जानकारी हो जाए तो आप क्या करेंगे? 5 हजार रुपये लेकर गया बिना आपकी जानकारी में, तो डांटेंगे या फोटो डालेंगे क्या किया है उसने फेसबुक पर, खुशी जाहिर करेंगे? डांटेंगे क्यों, पूछे नहीं हमसे, क्योंकि आप जानते हैं 5 हजार रुपये बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं है कि ऐसे ही बर्बाद कर दिया जाए। जी सर, जी और वहाँ वहाँ वो खुशी से वीडियो डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं कि मेरे बेटे ने सरप्राइज पार्टी दिया, और वो वीडियो फोटो देख लीजिए, लाखों रुपए का प्रोग्राम है। क्यों करना विश्वास, पहले आपको खुद पर विश्वास करना है, दूसरे पर नहीं, विश्वास खुद पर किया जाता है। आपको अगर खुद पर विश्वास होता, आपको खुद के डिग्री पर विश्वास होता, तो आप जो है फिर हर चीज की जानकारी लेते, इन नेताओं पर विश्वास न करते। कोई नेता हो, कोई पैसा ले रहा हो या न ले रहा हो, कोई भी हो, क्यों विश्वास करना? पुनीत केसरी पर क्यों विश्वास करना? क्रॉस चेक कीजिए ना, वेरीफाई कीजिए ना कि हाँ बातें सही है या नहीं, और विश्वास उतना ही कीजिए ना जानकारी लेने तक। जी करने वाला ना पुनीत केसरी है, ना सुनील यादव है, ना कोई अन्य है, कोई नहीं कर सकता। नहीं, हम तो सीधे कहते हैं भाई, गवर्नमेंट को करना है, हम तो सीधा बोलते हैं, कहने को हम नहीं कह सकते हैं कि हम ये करा रहे हैं, हम वो करा रहे हैं, लेकिन हम सीधे कहते हैं गवर्नमेंट को करना है। हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं बस। कहाँ है, क्या पूछा आपने? कहाँ है? बनारस के हैं हम, बगल के हैं आपके। अच्छा, सर बनारस में हैं सर? हाँ बिल्कुल जी सर। तो फिर से आपको समझा दे रहे हैं कि बहतया भर्ती
2011 विज्ञापन ही मूल विज्ञापन था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती कराया, वो भर्ती वहीं खत्म हो गई, जो खाली सीट थे अब उन पर भर्ती नहीं होने वाली, यानी कि 2011 वालों को उसमें कुछ नहीं मिलना है। 68,500 भर्ती आई, उसमें 20,000 सीट खाली रह गया, अब वो उसमें किसी को कुछ नहीं मिलना है। 69,000 भर्ती में 2,000-4,000 5,000 जो भी सीट खाली है, अब उसमें किसी को कुछ नहीं मिलना है, जो भर्ती जितनी हो गई हो गई। और 2012 विज्ञापन अवैध विज्ञापन था, वो सिर्फ लूट करने के पर्पज से निकाला गया था। कोर्ट में जब पूछा गया तो वो बता नहीं पाए ये विज्ञापन का अप्रूवल उन्होंने कब लिया केंद्र सरकार से। तो जब अप्रूवल ही नहीं है जिस विज्ञापन पर, तो कोर्ट क्यों भर्ती करवाती? फिर से वही नाटक होता शिक्षा मित्र वाला, अवैध। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा है कोर्ट ऑर्डर में कि उस पर भर्ती करना ही है। 2015 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि फीस वापस करना है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को ही बहाल किया है, और गवर्नमेंट ने उसी ऑर्डर पर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 2018 में फॉर्म भरवा करके आवेदन मांगा था कि भैया जिनको जिनको पैसा वापस चाहिए भरिए, जो लोग नौकरी पा गए हैं वो भी भरे, जो नौकरी नहीं पाए हैं वो भी भरे। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है उनका लिस्ट तैयार करके, अभी जब बजट 2023-24 का आ रहा था, तैयार हो रहा था, तो उसमें इसका भी बजट तैयार किया गया, और वो बजट फाइनल हो गया है, पास हो गया है। अब डाइट को बोला गया था भैया आप अपने यहाँ से लिस्ट बना करके दीजिए कि कुल कितना पैसा चाहिए, कितने लोगों को देना है, कितना कितना। तो डाइट जो है लिस्ट बनाकर भेजा है, अब वो पैसा डाइट को दिया जाएगा, और वो पैसा फिर जिन लोगों ने आवेदन किया है उनको वापस होगा, जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है उनको पैसा वापस नहीं होगा। बाई चांस अगर कहीं कोई ऑर्डर इस तरह का बाई चांस आ जाता है कि जो है जो याची हैं या ये हैं इनको फिर से मौका दीजिए फॉर्म भरने का, सबको तो नहीं देंगे, बाई चांस, वो भी आना नहीं है किसी के लिए, बाई चांस अगर ऑर्डर आ गया कि इनको भी फिर से मौका दिया जाए, तो हो सकता है किसी 2-4-10 लोगों को मौका मिल जाए फिर से फॉर्म भरने, लेकिन ये मान के चलिए कि कोई ऑर्डर ऐसा नहीं आने वाला, अब किसी को नहीं मिलने वाला है पैसा वापस, जो भरे हैं सिर्फ उनको मिलेगा। और रही बात नियुक्ति की, आपने बात किया तो नियुक्ति 83 वाला पाया है, और अब जो है 82 वाला भी पाने जा रहा है, और आप भी पाने जा रहे हैं। उस नियुक्ति से 30 सितंबर तक सारी चीजें सामने आ जाएंगी, 3 अगस्त को मीटिंग होने जा रहा है दिल्ली में, उसके बाद सारे आंकड़े आएंगे सामने। अभी कल 29 जुलाई था, प्रधानमंत्री जी जो है 3 वर्ष पूरा हुआ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, तो उसके लिए संबोधन कर रहे थे, ठीक है। अब 3 वर्ष पूरा हो गया तो उसकी समीक्षा होगी, न्यूज हमने डाला है व्हाट्सएप पे, देख लीजिएगा ग्रुप में, फेसबुक पर भी डाल देते हैं, यूट्यूब पर भी डाल देते हैं सारी जानकारी, पूरी जानकारी लीजिए। और थोड़ा जैसे इतना समय धैर्य रखें, थोड़ा समय और जिनको पैसा दिए हैं कहीं मिल जाए हाथ पर तोड़ दीजिए, जूता मारिए, जो भी कीजिए, अपना पैसा वापस लीजिए, वो आपकी मेहनत का पैसा है। किस आधार पे होगी सर नियुक्ति? बस ट्रेंड होना चाहिए, टेट पास होना चाहिए, दो ही चीज, और आप इनमें से दोनों में से दोनों चीज हैं या नहीं? जी है। बस इतना जानिए कि आप ट्रेंड भी हैं, टेट पास भी हैं। जो 83 नंबर वाला जिनकी बात कर रहे हैं, वो भी तो इसी मानक पर नियुक्ति पाए हैं। जी सर, जी सर। जो 72,000 में सिलेक्ट हुए हैं वो भी इसी मानक पर ना, कि वो ट्रेंड थे और टेट पास थे तभी तो नौकरी मिली ना। हाँ, तो याची लाभ नहीं रहता उनको, याची लाभ। याची वाली की बात नहीं कर रहे हैं, जो 72,000 में नियुक्ति पाए 66,000 लोग, उनकी बात कर रहे हैं, उन दोनों की बात कर रहे हैं। वो चाहे याची लाभ वाले, नहीं याची लाभ वाले, चाहे 66,000 लोग जो 72,000 में नियुक्ति पाए, वो सभी बीएड किए हुए थे और टेट पास थे, बस इतना ही ना। हाँ जी सर, जी। इसी मानक पर उनको नियुक्ति मिली है ना। जी सर। तो आप भी उन्हीं के साथ वाले हैं, तो फिर आपके लिए अलग मानक कैसे हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल सर। 15,000 नहीं, 15,000, 10,000, 16,000 जो भी बीटीसी की भर्ती निकली जी अखिलेश के कार्यकाल में, तो उनका क्या मानक था? यही ना कि वो टीचर ट्रेनिंग किए हैं और टेट पास हैं, बस यही ना। जी सर, यही मानक बनाए थे। तो उस समय भी नियुक्ति हुआ है, उस समय के कुछ लोग रह गए हैं, तो फिर क्यों दो मानक होगा? जी सर, हाँ समय, बात तो उसी समय की है सर। हाँ, तो पुराने लोगों के लिए ही जो है गवर्नमेंट ने ये सब प्लान किया है, बीएड को वैलिड किया है, टेट लाइफ टाइम किया है, पुराने लोगों के लिए ही। उनको पता है ये पुराने लोग कौन हैं, इनको कैसे अंदर करना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या था कि जो अंदर वो अंदर, जो बाहर है उसके लिए रास्ता बनाया जाए, बस यही कोर्ट ऑर्डर है सार सुप्रीम कोर्ट का। तो जो अंदर था उसको अंदर छोड़ दिए हैं, जो बाहर है उसके लिए रास्ता बना रहे थे।
तो आप बताइए 83 नंबर को वाले को बाहर करते, अब फिर जी उसको जो आपको भी नौकरी मिलने जा रही है, साथ में वो भी पाता, फिर उसको मिलता ही मिलता, तो कोई फायदा होता अंदर वाले को बाहर करना? कोई फायदा नहीं, जी सबको ही अंदर करना है। तो जो अंदर है, कोर्ट ने जी कहा जो अंदर है अंदर रहने दो, जो बाहर है उनके लिए आप रास्ता बना लो, कैसे करना है। और जो बाहर है उनकी संख्या कम नहीं ना है, नहीं सर, बहुत है जी बहुत सारे ज्यादा लोग हैं, तो सबको तो याची लाभ देगी नहीं कोर्ट। तो कोर्ट ने जी ऑर्डर जो किया उसको आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ये सब झूठ बोलते हैं कि तो इस विज्ञापन में भर्ती होगी ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं। कोर्ट ने सार जो उसमें लिखा हुआ है आप ध्यान से पढ़िएगा कि जो अंदर है उसको डिस्टर्ब न किया जाए, और जी बाकी जो सार है उसमें यही कहा गया है कि जो बाहर है उन सबको नियुक्ति दी जाए। कैसे सर देगी जी गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की समस्या है। उसमें ये कहीं नहीं, सर उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि 2012 विज्ञापन पर नियुक्ति दी जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जी तो कुल मिला करके इन लोगों से दूर रहिए, जो जिला अध्यक्ष बने हैं, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, या जो कोई भी है, ये लोग जहां दिख जाएं तो आप मुंह से मत बात किया कीजिए, जूते से बात किया कीजिए इन लोगों से, ये सर जूते लायक लोग हैं। चलिए वास्तव ठीक में बता रहे हैं, ये है सर, बता, आपके बच्चे के जो है पढ़ाई लिखाई में वो पैसा खर्च होता है, आपके घर परिवार में किसी ठीक का ठीक जी सेहत सर, जो है सर मेरे गड़बड़ पैसे होता, बर्बाद कर दिए सर, क्या वो पैसा जो बताएं है मुझे। घर के जी किसी सदस्य के बीमारी में काम आता, वो पैसा सर आप कोई काम बिल्कुल धंधा बिल्कुल शुरू, सर, कोई काम धंधा में लगा सकते, कुछ भी करते, वो पैसा नहीं सर रहता। ध्यान दीजिए सर, बेरोजगारी का आलम इतना है सर, पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं हम लोग, बताइए। सोचिए, 10 साल हो बेरोजगारों, गई है इसमें भर्ती हैं, आपके पोस्ट को देखने के बाद कुछ उम्मीद की किरण जगी है सर, तो ये देखिए। सोचिए ना कि जो जी पैसा आप महीने में 5,000-10,000 कमा रहे हैं, सर उससे घर गृहस्थी चलाने में दिक्कत हो रही है, और उनमें से आप पैसा जी काट काट करके कहीं ना कहीं बच्चे की पढ़ाई, कहीं ना कहीं किसी का दवाई, जी कहीं ना कहीं जो है सर घर में खान पान में कमी करके, कटौती करके, तब तो दिए हैं ना इनको पैसा, जी और ये हराम का पैसा लेकर के सब मौज कर रहे हैं। जितने जितने जिला अध्यक्ष हैं, आधा पैसा खुद रखते हैं, आधा पैसा ऊपर देते हैं। अगर वो कहे कि नहीं हमको कुछ नहीं, हम तो सब दे दिए हैं, तो वो झूठ बोल रहा है, आधा पैसा खुद अरे रखता है। सर एक बात सुनिए, यादव से बात किए थे ना, कहे लखनऊ में आइए वहीं से मिलते हैं, हम कह सर क्या लखनऊ में आए, जो करना हो आप करिए, पैसा चंदा ही मांगते हो, 500 रुपये कभी डालो कभी 100 रुपये डालो, ये सर क्या नौटंकी मजा रखा। कहें सर कहाँ से बात कर रहे हैं, कहें जौनपुर से, कहें रखिए सर बाद में बात करते हैं सर आपसे। कितने मिनट बात किए थे आप? अरे 2-3 मिनट बात किया था, उसके बाद दो फोन तीन रख दिया मिनट सर, और फिर अभी अभी फोन। हमसे बात कर रहे हैं, कितने मिनट हो गए? अरे सर 37 मिनट हो गए सर, आ सैंतीस गए। मिनट हो गया। और आप हमें अरे कब से, कितने साल से जान रहे हैं? आपको मैं पोस्ट के माध्यम से जाना सर, अब फिर कितने सुबह साल, कितने साल मिलेंगे। फिर भी? अरे एक एक साल से जानते हैं सर। चलिए मान लीजिए 1 ही साल, जानने वाले तो 2011 से जान रहे हैं, आप 1 साल से जान जी रहे हैं। इस 1 साल में कोई पोस्ट, कोई कहीं वीडियो या कुछ भी बताइए जहां हमने कहा हो कि 100 रुपया दो, 500 रुपया दो। सर नहीं सर, ऐसी ऐसी बात नहीं रही आपकी, अभी तो आपके क्रेडिबिलिटी बड़ी सर, और आपका जो लाइफ टाइम का जो डेट वाला बताए थे मैटर, लाइफ टाइम हो गया, आपने पहले बता दिया बाद में आदेश आया, तो उस भाई पर थोड़ा विश्वास बढ़ता है ये आपके बताइए, ये जो सुनील यादव इसमें। हैं, ये आपके जो भी जिला अध्यक्ष या जो भी लोग हैं, ये भी आपके नियुक्ति नौकरी की बात करते हैं, जी हम भी सर नियुक्ति नौकरी की बात कर रहे हैं, जी हुआ सर उनका भी नहीं है, ठीक है, हुआ हमारा भी नहीं है, लेकिन हम जानकारी देते रहते हैं क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, ठीक। लेकिन वो पैसा मांगते हैं, लखनऊ आओ, लखनऊ बुलाते हैं, हम कभी कहते हैं कि यहाँ आइए, वहाँ आइए, लखनऊ आइए, नहीं हम कभी बिल्कुल नहीं कहते हैं सर, कि नहीं 100 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए? नहीं सर नहीं भाई साहब, जो इस तरह का व्यक्ति मिल जाए, पहले जूता मारिए, वो सब झूठे। नहीं नहीं सर बिल्कुल हाँ, जो भी करना है गवर्नमेंट को करना है, केंद्र सरकार की सर, योजना है, केंद्र सरकार लेकर आ रही है, चुनाव अभी कल 3 साल पूरा में होने, सर नजदीक है, चुनाव के मद्देनजर फिर भाई खिचड़ी मत हो सकता पकाइए। चुनाव नजदीक है वो बात सही है, लेकिन है जी। चुनाव एक अलग मुद्दा है, ये सब अलग मुद्दा है, ठीक है। हाँ कुछ उसका सरकार का बेनिफिट भी मिलेगा ना वो अगर उनका, चल वो सोचना उनका काम है। आप जब इतना सोच रहे हैं कि बेनिफिट लेना उनका काम है, तो इतना सोचना चाहिए जब हम जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वो रही भी तो सोच रहे होंगे, उनको तो वोट लेना है, उनको तो चुनाव जीतना है, तो क्यों नहीं सोचेंगे वो। जी सर भाई आपके घर में मान लीजिए आपके पिताजी हैं, मान लीजिए आप दो चार भाई हैं, आपके पिताजी सबको जो है आज की तारीख में 50-50 लाख रुपया दे दें, तो सारे भाई लोग पिताजी को जो है महत्व ज्यादा देंगे कि नहीं, और उनको मानने लगेंगे और सेवा करने लगेंगे, है ना। तो लेकिन है पिताजी 50-50 लाख नहीं दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास नहीं है इतना, रहता तो सर जरूर देते, वो चाहते भी होंगे देना, लेकिन है ही नहीं तो कहाँ से दें। तो कोई भी कुर्सी पर बैठता है, चाहे अखिलेश बैठ जाए, चाहे योगी जी बैठ जाए, चाहे राहुल गांधी बैठ जाए, चाहे मोदी बैठ जाए, चाहे कोई बैठ जाए, इतना जानिए
वो चाहते तो सबको खुश करना, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद इतने सारी चीजें हैं, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, इतना सब कुछ काम करना होता है, वो चाहने से नहीं कर सकते कोई चीज। जो जरूरी चीजें हैं कि नहीं भैया कोई घर में बीमार है पहले उसकी दवाई जरूरी है, बच्चे का फीस बनना जरूरी है, यही सब तो आप देखते हैं ना अपने घर में। जी सर, तो गवर्नमेंट भी ऐसे ही काम करती है कि कहाँ सड़क बनाना पहले जरूरी है, कहाँ स्कूल टूटे फूटे हैं, उनमें फर्नीचर नहीं है, बिजली नहीं है, तो पहले उनको किया जाए, उसके बाद अन्य काम करेंगे ना। तो प्राथमिकता तय करते हैं कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। तो स्कूलों में अभी बिल्डिंग बनाई जा रही थी, फर्नीचर दिए जा रहे थे, बिजली पानी की व्यवस्था की जा रही थी। आज जाकर के पता कीजिए सारे स्कूल बदल चुके हैं एकदम, अपने गांव में कोई स्कूल जाके देख लीजिए। जी सर, पूरा कायाकल्प हो गया है। तो अभी तक उस पर खर्चा किया जा रहा था जो बेसिक जरूरत है, होना ही चाहिए। आप जाएंगे स्कूल में पढ़ाने, पंखा चलवे नहीं करेगा गर्मी में कैसे पढ़ाएंगे। टॉयलेट आपको लगेगी स्कूल में, टॉयलेट है ही नहीं है, प्यास लगेगी पानी नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए आपके बैठने के लिए चेयर नहीं है, फर्नीचर नहीं है, स्कूल में बोर्ड खराब है, चॉक डस्टर नहीं है, तो उसकी व्यवस्था हो रही थी ना। अब आज जाइए देखिए स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड लग रहा है, बच्चे फर्नीचर पर बैठ रहे हैं, पूरा स्कूल में टाइल्स लग रहा है, बिजली पानी हर चीज की सुविधा हो रही है। तो पहले खर्च गवर्नमेंट ने उन पर किया, अब जो है गवर्नमेंट जा रही है नियुक्ति देने। तो सारा जो बजट होता है मुख्य रूप से केंद्र सरकार खर्च करती है, तो केंद्र सरकार अभी तक पैसा जो दे रही थी वो दे रही थी इन कामों को पूरा करने के लिए। आप जानते हैं ना सरकारी काम है, सरकारी विभाग है, तो जिस काम के लिए जो पैसा आया उसी काम में खर्च होगा, दूसरे काम में नहीं होता है। तो पहले जो बजट केंद्र दे रही थी वो इन चीजों को करने के लिए दे रही थी, और सिर्फ यूपी को नहीं भारत के सभी राज्यों को दे रही थी। और अब जो है केंद्र सरकार जी नियुक्ति कराने जा रही है, और नियुक्ति के लिए बजट देगी, सैलरी के लिए बजट देगी, अब तो अब ये काम होने जा रहा है। ठीक है, तो धैर्य रखिए, ग्रुप में रहिए, ये सुनील यादव या आपके जो जिला अध्यक्ष हैं या कहीं के भी कोई भी इस तरह के नेता पर रहता है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, ये सब एक नंबर के हरामी हैं, लूटने आए हैं, सब लूटते हैं, चाहे कोई जिले में बना हो, चाहे ब्लॉक में बना हो, चाहे कहीं भी। आप शिक्षा मित्र के पास जाइए ना, पूछे भैया तो बताएगा हमारा ब्लॉक अध्यक्ष ये है, हमारा जिला अध्यक्ष ये है। पूछे हाँ, पर पूरा संगठन बनाए हाँ, आज हैं। जब पूछे कि क्या करते हैं ये लोग आपके लिए, क्या आज तक किए हैं, तो कहेंगे धरना करते हैं, चंदा लेते हैं, यही सब करते हैं। बहुत बस बहुत चले जाइए, आप जिस दिन नौकरी पा जाइएगा उसके बाद देखिएगा दुनिया भर के जो है शिक्षकों का संघ बना हुआ है। पूछेंगे क्या करते हैं, अभी एक टीचर को जो है कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, और उसके परिवार के लिए गवर्नमेंट से कुछ कराना हो, तो ये संगठन तब गायब हो जाएगा। हाँ, सर लेकिन यहीं जहाँ कहीं पैसा लेना होगा तो वो आ जाते हैं। हाँ, अभी बहुत वहाँ सारे न्यूज आए, एक महिला लेडीज थी जो है टीचर, वो जा रही थी स्कूटी से स्कूल, एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गई। क्या कर लिया संगठन ने, कुछ नहीं। कहीं आप ये भी सुने कि उस महिला के जो है हित के लिए संगठन ने कोई धरना प्रदर्शन भी किया हो, कुछ नहीं किया। तो कोई 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 संगठन हो, कहीं पर हो, किसी की मत सुनिए, किसी रैली में मत जाइए, किसी नेता प्रेता के प्रचार में मत जाइए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी, कभी मत जाइए। घर बैठिए अपने बुद्धि विवेक से प्रयोग कीजिए, आपको वोट जिसको देना हो, आपका दिल जिसको गवाही करे उसको वोट दीजिए, नहीं मन करता है किसी को मत दीजिए, लेकिन अपने मन की, अपने दिल की, अपने दिमाग की सुनिए, किसी और की सुन करके मत चलिए। सुनते रहिए सबको, पढ़ते रहिए सबको, करते वक्त सिर्फ अपनी सुनिए, किसी और की बातों में मत आइए। आप पढ़े लिखे हैं, आपका बुद्धि विवेक बहुत काम करता है, उतना ही है जितना अन्य लोगों के पास है। ठीक है, चलिए, तो ग्रुप में जुड़े रहिए, और जो लेटेस्ट हो रहा है, अभी 3 अगस्त को मीटिंग होने जा रही है, उस पर नजर रखिए। 3 अगस्त के बाद 15 दिन, 20 दिन में या 1 महीने में सब रिपोर्ट आ जाएगा सामने, और सारी घोषणाएं शुरू हो जाएंगी, जैसे लाइफ टाइम हुआ, जैसे बीएड वैलिड हुआ, नियुक्ति भी मिल जाएगी। थोड़ा सा आदेश डाल दीजिए वाला जो बता रहे थे, 25 जुलाई वाला। आप गूगल में लिखिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खुल जाएगी, वहां पर चले जाइएगा, वर्ष डाल दीजिएगा 2017, और जज का नाम आप जानते हैं, यू ललित और गोयल जी थे ना, जज के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, जजमेंट मिल जाएगा। उसमें डाला है तो ठीक है। हाँ, या तो केस का नंबर डालना होता है, केस नंबर आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, जज का नाम तो जानते हैं और वर्ष तो जानते हैं ना, तो उसमें डेट डालने का है ऑप्शन, 2017 वाले में चले जाइए और यू ललित को खोज लीजिए या फिर गोयल जी को खोज लीजिए, और उनका ऑर्डर खोजने के बाद वो जजमेंट आ जाएगा सामने, उसको डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। हम ग्रुप में सब डालते हैं, फिर से डाल देंगे, हम भी डाल देंगे, कई बार डाले हैं, बहुत बार डाले हैं।
मैंने ध्यान नहीं दिया सर। ठीक है, तो ग्रुप में है ना व्हाट्सएप पर? जी जी सर बिल्कुल। तो अभी अभी आज भी हमने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति डाला है, मिला है कि नहीं? ना मिला तो देखे हैं सर। तो अब आगे का पढ़िए महाराज, पीछे कहाँ जा रहे हैं फालतू लज में। ठीक है, आगे का पढ़िए, आगे क्या होने जा रहा है, आपका भविष्य आगे है, पीछे अतीत हो गया। चलिए ठीक सर, आपके पोस्ट को देख करके आपसे मिल करके लगा कि इसे उम्मीद। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, जो काम धंधा कर रहे हैं एकदम मन से कीजिए, खूब जम के पैसा कमाइए, और ये जो हम बता रहे हैं ये सब हो जाएगा, उसका खूब मन से नौकरी कीजिएगा मेहनत से। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए वेलकम, चलिए रखते हैं, प्रणाम प्रणाम सर।